कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे अपने घरों में। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ और यहाँ पे क्या कर रही हूँ। तो जी जनाब, मैं इस वक्त हूँ गंदम के खेतों में। तो जनाब, मैं काफ़ी दिनों से घर पे थी, लॉकडाउन पे थी, तो बाहर निकलने का तो सवाल ही पैदा नहीं हुआ। रूम सिकनेस हो रही थी। मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर के लिए बाहर जाया जाए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग लॉकडाउन की पासदारी ना करें और आप लोग बाहर निकल जाएं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके घर के बिल्कुल आसपास अगर कोई नहीं है, इस पर कोई क्राउडेड एरिया नहीं है, कोई लोग नहीं है, तो आप 5 मिनट के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के एक वॉक के लिए जा सकते हैं, फ्रेश एयर ले सकते हैं। तो आप सबको मैं सजेस्ट यही करूँगी कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए आपको नेचर से क्लोज होना पड़ेगा। अगर आपके घर में ऐसी हवा वाली जगह नहीं है, जैसे कुछ लोगों के घर ओपन नहीं होते, वहाँ पे हवा का इतना गुजर नहीं होता, तो आप हर वक्त घर में रह के आपकी मेंटल हेल्थ बहुत डिस्टर्ब होगी। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप, इफ़ इट इज़ पॉसिबल कि आपके घर के बाहर ऐसी जगह है जहाँ पे जाना ख़तरा नहीं है, क्राउडेड नहीं है, तो आप ज़रूर जाइए, 5 मिनट्स की वॉक लीजिए, फ्रेश एयर लीजिए, यू विल फील मच बेटर। मैं इस वक्त आई हूँ क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी नहीं है। मुझे लगा कि ये बेस्ट टाइम है इस वक्त यहाँ पे थोड़ा सा वॉक करने का। मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं फ्रेश एयर में आऊँ, तो मैं यहाँ पे आई। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी अपने साथ लिया जाए, तो इसलिए मैं आई हूँ आप लोगों को साथ लेने। तो थोड़ी सी गंदम की खेत की सैर करते हैं और आपको थोड़ी सी चीज़ें बताऊँगी और नेचर इन्जॉय करते हैं। आपको तोड़ के एक दिखाती हूँ, ये बहुत सख्त है, पता नहीं इसको तोड़ा कैसे जाता है। यस, आई डिड इट। व्यूअर्स, इसको हम उर्दू में कहते हैं सिट्टा। आप लोग मुझे नहीं पता आपकी ज़ुबान में इसको क्या कहा जाता है। इसके अंदर ये जो बर्ड्स हैं, इसके अंदर हमारे पास दाने होते हैं गंदम के, ठीक है। गंदम एक ऐसी चीज़ है जो सब कॉन्टिनेंट में, ना सिर्फ पाकिस्तान में लेकिन इंडिया में भी सबसे ज़्यादा खाए जाने वाली चीज़ है। इसकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है हमारे घरों में। रोटी ना हो तो हमें लगता ही नहीं कि हमने खाना खाया। तो ये सब हम लोगों को तो एक रिफाइंड आटे की शक्ल में मिल जाता है, लेकिन हमें इसके लिए नहीं पता कि कितनी ज़्यादा मेहनत होती है। इन खेतों में ये उगाई जाती है, इसकी काश्त की जाती है, उसके बाद इसमें खाद डाली जाती है, इसका ख्याल रखा जाता है। अब ये बिल्कुल पक चुकी है, अब ये वो दिन है जिसमें इसकी कटाई हो रही है। देखिए व्यूवर्स, इसके अंदर से मैंने ये दाने निकाले हैं, ये होते हैं गंदम के दाने। ये इसके अंदर, इस सिट्टे के अंदर होते हैं, और ये भी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ये निकाले जाते हैं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। इतने छोटे छोटे होते हैं ये, जो निकालना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए मशीनरी भी होती है, कुछ लोग कोई चक्की पे निकालते हैं, कोई डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं इस पर, तो बहुत मेहनत का काम है। और जब ये निकल आते हैं, उसके बाद इसको पीसा जाता है और उसका आटा निकाला जाता है, और फिर वो हम उसकी रोटी बनाते हैं। तो आपको पता चला कि ये जो हम रोटी खाते हैं, ये कितने ज़्यादा मराहल से गुज़र के आती है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इस वक्त नेचर से इतना करीब हो के, इन सब चीज़ों को देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी टाइम बाद मैं बाहर आई हूँ और ऐसा लग रहा है कि कोई नई दुनिया में आ गई हूँ, क्योंकि एक रूम में बंद हो के, एक घर में बंद हो के, अजीब सी एक मेंटल सिकनेस हो रही थी। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ लोग गंदम काट रहे हैं, किसान होंगे ये डेफिनेटली। तो इस वक्त गंदम की कटाई शुरू हो चुकी है, कुछ गंदम तो रह गई है ये देखिए, लेकिन कुछ को इन्होंने काट दिया है। ये देखिए, ये इस तरह काट के इन्होंने गड्डियां बना ली हैं, जो कि ये उठा के फिर लेके जाते हैं इसकी जो मशीनरी वाली जगह है, वहां पे जहां पे इसके इसमें से दाने निकलते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ये सिर्फ आप लोगों के मेंटल हेल्थ को इन्हेंस करने के लिए था, आप लोगों को बूस्ट करने के लिए था कि हिम्मत नहीं हारनी है, थोड़ा सा वॉक आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और अच्छा अच्छा सोचें, अच्छा अच्छा करें, आप लोगों के साथ अच्छा अच्छा होगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।